तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। अब आपको सबसे पहले मैं इसका मतलब बताता हूँ कि अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग इनफाइनाइट हम डेसिमली स्मॉल क्वांटिटी रेशियोज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमको फंक्शन क्या होते हैं इसको पढ़ने की हम जरूरत है। तो फंक्शंस, फंक्शन एक बहुत इजी वे है कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन फाइंड करने की। ओके, हम जैसे कि हम बोले हम जैसे कि हम वॉल्यूम जो होता है वो टाइम पर हम डिपेंड करता है। ओके, तो अगर वॉल्यूम टाइम पे डिपेंड करता है तो हम इसको कैसे लेंगे। अब देखिए, अगर हम वॉल्यूम मान लें V, टाइम को मान लें T, तो ये कैसे लेंगे हम V इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ T। इसका मतलब वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम समझ आ रहा है? हाँ, वो आज की थोड़ी सी हम वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम है, पर आप फिर भी आपको समझ आएगा। तो वॉल्यूम टाइम हर डिपेंड। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, अब हम देखते हैं दो तीन एग्जांपल। जैसे कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर टू, मतलब एक्स स्क्वायर। हाँ, जो बोले हम y इज अ फंक्शन ऑफ x टू द पावर 2। ऐसे ही कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ी होगी, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन x, y इज इक्वल्स टू टैन x। ओके, तो अब हम आपको सिखाते हैं कि हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन की बहुत मेन ब्रांच है, और वही उसका क्या क्या एप्लीकेशन है और क्या क्या यूज है, तो पहले वो देखते हैं। तो देखिए, हम एक बार यूज करते हैं लिमिट्स। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म मैथ्स और फिजिक्स में, मैथ्स और फिजिक्स में इसको हम लिखते हैं LIM, लिमिट। शॉर्ट फॉर्म एक तरह का, बस इन दोनों का मतलब सेम है। ओके, अब अगर हमको कहीं भी हम दिया जाए कि लिमिट, हाँ मान लीजिए हमको कोई x है वेरिएबल, तो हम लिखेंगे डेल्टा x दिस इज जीरो। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि x की वैल्यू, डेल्टा x की वैल्यू जीरो है, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है लिमिट ऑफ डेल्टा x इज अप्रोचिंग जीरो बट इट इज नॉट जीरो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिट ऑफ डेल्टा x इज अप्रोचिंग जीरो बट इट इज नॉट जीरो एट ऑल। ओके, चलो, तो अगर हमको कहा जाए कि हमको अब ये करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले हम आपको एक चीज और बताते हैं। ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड फाइंड इट्स वैल्यू एट
x इज इक्वल्स टू 1। अब इसका मतलब क्या है कि आपको y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का ऐसा डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे हमको फाइंड करनी है। इसमें हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग डिफरेंशिएशन को dx बाय dt, dy बाय dt, dv बाय dt, मतलब यहाँ पे d जो है इसका मतलब है डेल्टा, और ये v डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर चेंज इन हम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यहाँ पे इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, पर ये चेंज ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये स्मॉल चेंज है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड फाइंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे लिमिट, हमने क्या कहा था, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब y क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमको एक रिलेशन हमको दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिलेशन। ओके, तो अब हम करते हैं इसका है आंसर, तो अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, हम x को x प्लस डेल्टा x मतलब स्मॉल चेंज को हम लोग ने ऐड करा, और याद रखिए कि हमेशा स्मॉल चेंज को हम ऐड ही करते हैं, मतलब स्मॉल चेंज कभी भी सब्ट्रैक्ट तो होते ही नहीं। ये इसको हमने ऐसे करा सॉल्व, और यहाँ पे भी हाँ हमारी लिमिट है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब हम आगे करते हैं सॉल्व, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर प्लस डेल्टा x टू द स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस x स्क्वायर अपॉन डेल्टा x। अब देखिए हमको पता है कि डेल्टा x बहुत स्मॉल है, तो वो हम बोलते हैं इसको इनफाइनाइट डेसिमली स्मॉल, इसलिए हम लोग इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। ओके, तो अब हम इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हम क्या आते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x प्लस 2x इक्वल्स टू 2x, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, इसे बोलते हैं लॉन्ग मेथड, इसे बोलते हैं लॉन्ग मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग ये लॉन्ग मेथड है हम, ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको शॉर्ट मेथड से, अब हम उस क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट मेथड से, उसको बोलते हैं एब निशियो मेथड, एब निशियो मेथड। एब निशियो मेथड में क्या होता है कि अगर हमको x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका एक शॉर्ट है फॉर्मूला x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन सेम ये वाला यहाँ आ जाएगा n माइनस 1, मतलब कि x टू द पावर n की जो भी हो पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो उसका हम डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं। अब देखिए हमने कहा था y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का, अब हमको x स्क्वायर करना है, तो x स्क्वायर क्या होगा, और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना हम भूल गया, यहाँ पे n जो होता है वो पहले n यहाँ पे आ जाता है फिर n n माइनस 1 होता है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ गया 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, क्या आंसर आया 2x, देखा उससे करा तो थोड़ा सा लॉन्ग था वो, पर लॉन्ग से ही हमको स्टार्टिंग करनी चाहिए, और ये है शॉर्ट फॉर्म, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एब निशियो मेथड। तो अब हम करते हैं, हाँ अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कि जैसे कि हमको जीरो का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका हमेशा क्या होगा, मतलब कि कांस्टेंट मतलब 1 2
कोई भी दिया हो, इन सब का हम डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है. ऑलवेज रिमेंबर डैट, इम्पॉर्टेंट है.